हमारे स्कूल में फीस का ऑर्डर आ गया कि फीस दे दें, ठीक है, डिपॉजिट कराओ। नौ ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, कुछ वर्कशीट्स देते हैं विद इन वन वीक। एक वर्कशीट आ रही है, सिक्स क्लास से लेकर टेंथ क्लास के बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आता है वर्कशीट पे, क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे बच्चा नहीं समझ पाएगा। और स्कूलों में भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी हुई है, वो पढ़ा रहे हैं, वॉट एवर, थोड़ा समझ में आ रहा है, ज्यादा समझ में आ रहा है, बट थ्योरी क्लास इज थ्योरी क्लास। वर्कशीट पेपर पे आप पढ़ा रहे हो वो कोई पढ़ाई नहीं होता है। हम पढ़ा सकते हैं तो हम फीस क्यों दें? जब हम पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को तो हम फीस भी क्यों पे करें स्कूल वालों को? इन्होंने बढ़ा के 10% 20% फीस बढ़ा के इस बार बोल दिया है, जब इन लोगों को पता है कि हम लोग नहीं कमा रहे हैं, हम सारे प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो हम कहाँ से देंगे? ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट फीस के लिए बोले 30 के बाद, वो किस चीज़ की दें हम इनको? पंखे इनके नहीं चलते हैं, पानी बच्चे नहीं पी सकते, 100-200 बच्चों को एक वॉशरूम यूज़ करते हैं, कल को स्कूल खुल जाता है तो ये सैनिटाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, नर्सरी में शिफ्ट हुए हैं, उन लोगों को आप ऑनलाइन या वर्कशीट से कैसे पढ़ाओगे जिन बच्चों को भी पेंसिल पकड़ना नहीं आता है? और ये लोग 4-5 हज़ार रुपया फीस दे रहे हैं। हम 16 हज़ार रुपया लास्ट ईयर फीस दे रहे थे, अब 16 से बढ़ के 18 या 20 हो गई होगी। ठीक है, वो हम कैसे पे कर सकते हैं जब हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है? आप बताइए। तो अब हम इनको बुला रहे हैं कि हमसे एक बार बात करो, सिर्फ इनके हांडा सा रहा है, बात की 5 मिनट के लिए और चले गए कि 20 सालों से आप लोग कमा रहे हैं, तो 20 सालों से ये भी कमा रहे हैं। ठीक है, तो इनके पास भी कोई शॉर्टेज नहीं होगी। हमें क्या पता कि अपने टीचर्स को सैलरी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, सब कुछ हमारे सिर पे कर रहे हैं, हम किसके सिर पे करें? जब हमें सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो हम कहाँ से इन लोगों को पे करें? हमारी ये प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारे बच्चे घर पे बैठे बैठे पागल हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़े। हो सकता मैं पढ़ा सकती हूँ, हो सकता कोई पेरेंट नहीं पढ़ा सकता हो खुद, ट्यूशन बच्चे जा नहीं सकते हैं, बच्चे कैसे पढ़ें? और ये फीस के पीछे पड़े हैं कि फीस दो, कहाँ से दें हम लोग फीस? ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम है, सारे पेरेंट्स की यही प्रॉब्लम है। यहाँ पे आ रहे हैं प्रिंसिपल मैम को बुलाया है कि बाहर आए, एक बार हमसे बात करें, हमारी प्रॉब्लम सुने, बट कोई नहीं आ रहा। यहाँ नारेबाजी भी लगाई है सबने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पा रही है, बिकॉज अब सारे पेरेंट्स हैं, सबको प्रॉब्लम है, सब बहुत सारे पैसे नहीं कमाते हैं, बहुत सारी अर्निंग नहीं होती सब पेरेंट्स की। ठीक है, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल से एडमिशन कराते हैं कि हमारा बच्चा हमारी तरह नहीं बने, आगे जाए। ठीक है, बट अब उनको भी वही दिक्कत है ना कि उनके पास पैसे कहाँ से हैं? जब पैसे नहीं है तो ये लोग फीस किस उस पर मांग रहे हैं? जब स्कूल नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, तो हम फीस क्यों दें? ठीक है, ये प्रॉब्लम है हमारी। थैंक यू। वो किस बात की? तीन वर्कशीट देके आप 3 महीने की फीस डिमांड करो, इसको जस्टिफाई तो करो, किस हिसाब से मांग रहे हो 3 महीने की फीस? तीन वर्कशीट आई है, सिर्फ 3 वर्कशीट आई, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आई, कोई वीडियो नहीं आई, किसी टीचर का कोई भी कोई कॉल नहीं है कि अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो हमसे कॉल करके पूछ ले, कोई फोन नंबर नहीं है हमारे पास। आप 20% इंक्रीमेंट लगा के फीस मांग रहे हो, मतलब शर्म है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है यार, क्यों? उसका जवाब तो दो हमें।